हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे मैक्रो का टॉपिक नंबर 6, हिक्स एंड काल्डर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट। हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। हिक्स ने कंप्लीट बिजनेस साइकिल की थ्योरी दी है। तो ये सैमुलसन की थ्योरी पे ही बेस्ड है, बट इसने जो बताया वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे है। इसने रियल वर्ल्ड सिचुएशन को देख के अपनी थ्योरी बनाई है। इसकी थ्योरी के अंदर जो मल्टीप्लायर और असल रेटर है, उसमें उसने सर्टेन वैल्यू चूज़ की है एमपीसी की और कैपिटल आउटपुट रेशियो की। जबकि सैमुलसन था, उसने मल्टीप्लायर और असल रेटर की वैल्यूज़ क्या है वो नहीं बताई थी। तो हिक्स ने सर्टेन वैल्यू चूज़ की है एमपीसी और कैपिटल आउटपुट रेशियो की। और हिक्स ने कहा है कि जो वैल्यूज़ है वो किस में लाई करेगी, या तो रीज़न सी में या रीज़न डी में। वो कहता है अगर रीज़न सी में लाई कर रही है वैल्यू, तो जो बिजनेस साइकिल आएगा उसमें जो साइक्लिक मूवमेंट होगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। अगर रीज़न डी है तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव अपवर्ड मूवमेंट जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी और इनकम विदाउट ऑस्किलेशन के। हिक्स ने मेन क्या इनकॉर्पोरेटेड किया है उसकी एनालाइज में, रोल ऑफ बफर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी थ्योरी में, उसने बफर बताया है, ठीक है। बफर के अंदर उसने दो सीलिंग बता दी, एक आउटपुट सीलिंग बता दी, एक फ्लोर और लोअर लिमिट बता दी। तो आउटपुट सीलिंग ये वाली है, ऊपर वाली, ठीक है, सी सी, एंड जो लोअर एंड लिमिट है वो एल एल है। तो आउटपुट सीलिंग क्या कहती है कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली इम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से इनपुट इनकम ना ही आउटपुट इससे ऊपर जा सकता, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। और लोअर लिमिट है, हम आउटपुट इससे कम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ना ही इनकम हमारी कम हो सकती, क्योंकि ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट होती ही होती है, ठीक है। देन साइक्लिक फ्लक्चुएशन टेक प्लेस अबव एंड बिलो हिस। अभी बताया ना कि आउटपुट और इनकम है, वो इस आउटपुट सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकता और लोअर लिमिट से नीचे नहीं आ सकता। तो जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन है इन दोनों के बीच में रहेगी। जो ईई है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ शो कर रहा है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर से बिजनेस साइकिल डिटरमाइंड होगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ कैसे डिटरमाइंड होगा, रेट ऑफ ऑटोनोमस इंक्रीज कितना आया और मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर से। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है इसके अंदर, वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। देन वो कहते हैं इकोनॉमी रीच कर रही है पॉइंट P0 पे। तो मतलब इकोनॉमी यहाँ है P0 पे, जो ईई कर्व पे, इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट पे है। एक्सटर्नल शॉक आने की वजह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ी। नेशनल इनकम बढ़ी तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एक्सेलरेशन इफेक्ट से बढ़ा, जिसकी वजह से P0 से P1 पे चले गए, ठीक है। देन फिर P1 पे आने के बाद फिर वो मल्टीप्लायर से और इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमी यहीं पे ही रहेगी P1 से। देन थोड़ी इकोनॉमी इससे अबव तो जा नहीं सकती, आउटपुट सीलिंग है, क्योंकि इससे आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर नहीं सकते, इनकम ज़्यादा हो नहीं सकती। तो वो क्या करेगी, इकोनॉमी यहीं क्रॉल करेगी। क्यों क्रॉल करेगी, क्योंकि अब फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और शॉर्ट टाइम के लिए इकोनॉमी P1 से P2 तक क्रॉल करेगी। फिर क्रॉल करेगी, बट हमेशा के लिए क्रॉल नहीं करती रहेगी। अब यहाँ पे P2 से सीधा Q1 पे आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, वहाँ पे शार्प डिक्लाइन आ गया इनकम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई तो कंजप्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और कम हुई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुई तो उससे कंजप्शन और ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक में कॉन्ट्रैक्शन आ गया और बिजनेस साइकिल एक्चुअली में वर्क करने लग गया। तो इसमें यहाँ से जब P2 से स्टार्ट हुआ तो असर रेटर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, फिर वो ई पे आया, देन मल्टीप्लायर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, जिसकी वजह से Q1 पे इकोनॉमी आ गई, ये लोअर लिमिट पे आ गई, ठीक है। तो ये क्या था, इनकम और कंजप्शन कम होने से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुई तो कंजप्शन कम हुई, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में चला तो इनकम और कम हुई, इनकम कम हुई तो फिर से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुआ, वो किसकी वजह से, मल्टीप्लायर रिवर्स चलने लग गया, ठीक है। तो यही बता रहे, जब वो डाउन स्विंग जब स्टार्ट होगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा, सिंस चेंज इन इनकम इज नेगेटिव है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगी P2 से, ये मैंने अभी बता दिया है।
तो ये यहाँ पे, तो ये हिक्स की थ्योरी है, ठीक है। देन हम करते हैं कार्ल्डर की थ्योरी। तो कार्ल्डर ने क्या, उसने ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट बताई थी, तो कार्ल्डर ने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताए हैं जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। इसमें कार्ल्डर ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पिक्युलर शेप बताया है, मतलब लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पिक्युलर शेप है। पिक्युलर शेप मतलब एस एस शेप है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग जब इंटरेक्ट करेगी तो थ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे, तो दो उसमें से स्टेबल होंगे और वन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। देन कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे और कैपिटल पे। जब इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी इनकम के और इन्वर्सली रिलेटेड होगी कैपिटल स्टॉक के, मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल स्टॉक कम होगा, ठीक है। ये आ गई इन्वेस्टमेंट जो कि एस शेप में जा रही है, ठीक है, ये एस शेप में जा रही है। देन नोट करने की बात ये है कि जो असल रेट ऑफ प्रिंसिपल था उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी वो किस पे डिपेंड करी थी, रेट ऑफ चेंज इन इनकम पे। ये याद रखने की बात है कि ये रेट ऑफ चेंज इन इनकम पे डिपेंड करती थी, असल रेट ऑफ प्रिंसिपल पे। जबकि कार्ल्डर के जो कार्ल्डर का इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता था, लेवल ऑफ इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, ठीक है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर किस पे वो डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट आउटपुट और इनकम। जबकि हिक्स क्या कहता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट पे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इनोवेशन। बट उसने भी कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं बताया, ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं बताया, जिसकी वजह से उसकी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो लीनियर रह गई, ठीक है। देन कार्लर का मॉडल, तो वो कहता है जो कैपिटल एक्यूमुलेशन बाय राइजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो कहता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बढ़ने से कैपिटल एक्यूमुलेट हुई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नॉन लीनियर बन गई, ठीक है। कार्लर ने ट्रेड साइकिल को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लो इनकम फेज, नॉर्मल इनकम फेज एंड रिलेटिवली हाई इनकम फेज। तो जिसके अंदर एमपीआई तीनों में अलग अलग है, थ्री फेजेस में है। एमपीआई विल बी लो एट बोथ लो एंड हाई लेवल ऑफ इनकम फेज। वो कहते हैं एमपीआई लो है लो लेवल पे भी और हाई इनकम फेजेस पे भी। तो लो लेवल पे क्यों लो है, क्योंकि एक्सेस प्लांट कैपेसिटी है, ठीक है, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज हो रही है। और हाई लेवल पे क्यों लो है एमपीआई, क्योंकि हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है। कार्ल्डर का सेविंग फंक्शन, ये भी इनकम पे डिपेंड करता है, ये भी नॉन लीनियर पिक्युलर शेप है एस टाइप, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये ट्रेड साइकिल कैसे आता है, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करती है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इनकम इसी से डिटरमाइन होगी, इंटरेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। तो कार्ल्डर ने केन्जन की इक्वालिटी, जो केन्जन ने यूज़ किया था प्लान इन्वेस्टमेंट और प्लान सेविंग, तो कार्ल्डर ने भी यही यूज़ किया है। तो अभी जो थ्री पॉइंट बताए थे, टू स्टेबल एंड वन अनस्टेबल, तो ये पॉइंट आ गया। पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, और इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन है। ये है पॉइंट हमारा ए नीचे, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लो है। देन पॉइंट सी ये ऊपर आ गया, तो ये अनस्टेबल है, तो इसमें वो कहते हैं इकोनॉमी या तो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। देन पॉइंट बी ये भी स्टेबल है, यहाँ पे इकोनॉमी हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंजॉय करेगी, ठीक है। देन एक्सप्लेन करते हैं ये थ्योरी कैसे वर्क करती है। तो इसमें हमने जो ए और बी स्टेबल पॉइंट बताए हैं, वो इकोनॉमी शॉर्ट रन में स्टेबल रहती है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इकोनॉमी रिवॉल्व करती है, ए से बी, बी सी, ऐसे करके रिवॉल्व होती है, ठीक है। एक्टिविटीज कंटिन्यू एट आइदर किसी भी पॉइंट पे जा सकती है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल से स्टार्ट करी है। तो वो कहते हैं हमने पॉइंट बी से स्टार्ट किया है, तो बी पॉइंट ये रहा जहाँ पे इकोनॉमी हाई लेवल ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है। पॉइंट बी के पे क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। वो कहते हैं कैपिटल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और नहीं है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ अगर ऊपर जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डाउन जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्टेड हो गई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है और डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सेविंग है वो इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई थी ना यहाँ पे, इसीलिए वो सेविंग अब अपवर्ड जा रही है और शिफ्ट
अफवाह, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है हाई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हाई इनकम है, कैपिटल स्टॉक बढ़ा जिसके इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग बढ़ गई, और पॉइंट सी क्या हुआ, वो शिफ्ट कर गया लेफ्ट, तो शिफ्ट कर गया लेफ्ट में, और पॉइंट बी राइट में शिफ्ट कर गया, और दोनों कम क्लोजर आ गए, ठीक है। देन एज ए कॉन्सिक्वेंस ये कम, जब वो दोनों क्लोजर में आएंगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे बी प्लस सी ये दोनों इकट्ठे हो गए ना, तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये दोनों पॉइंट डाउनवर्ड जाते हैं तो वो अनस्टेबल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बी नीचे जा रहा है, अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो वो स्टेबल माना जाएगा, अगर वो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ठीक है, ड्यू टू हाई सेविंग। अब हमें पता है इकोनॉमी में हाई सेविंग है, तो जिसकी वजह से इनकम फॉल कर रही है, इनकम फॉल जब तक करती जाएगी जब तक न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, मतलब या बी या सी दोबारा से अचीव ना हो जाए। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लो लेवल इक्विलिब्रियम और रिसेशन और डिप्रेशन, तो इकोनॉमी का ऊपर जाने का चांस बन नहीं रहा तो वो नीचे ही आएगी, मतलब सी है वो हमारा नीचे आ गया, ठीक है, बी के साथ अटैच हो गया, अब इकोनॉमी फिर से चल ही रही है, अभी भी लॉन्ग टर्म की बात चल रही है तो अभी वो और नीचे आ रही इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट अभी भी इनसफिशियंट है क्योंकि जो कैपिटल में डेप्रिशिएट हुई है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट कवर अप नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से दोबारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अब स्टार्ट हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से अब यहाँ से यहाँ तक आने में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, सेविंग ही सेविंग थी, तो इकोनॉमी ने फिर से रीगेन किया खुद को और फिर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फिर ऊपर की तरफ जाने लगी है और जो सेविंग है वो नीचे की तरफ आने लगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा दूसरा केस है, ये जो ए और ए प्लस सी वाला पॉइंट है, तो इसके अंदर क्या था, इकोनॉमी पहले ए पे थी, ठीक है, ए पे थी, यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, सेविंग भी कम थी, इनकम भी कम थी, एम्प्लॉयमेंट भी कम थी, तो जैसे जैसे फिर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे लोग, फिर इन्वेस्टमेंट हुई जिसकी वजह से फिर ऊपर जाने लगी, सी पे आ गई, फिर वो ऊपर चल जाएगी, तो ऐसे साइकिल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है आज का, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू।